क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी स्पीकर, डी स्कैनर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्कैनर। प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर इज द आउटपुट डिवाइस एंड स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस। हाई गाइज, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माई चैनल माई पाठशाला बाई नीतू निगम। आज मैं आपके लिए साइबर ओलम्पियाड सिल्वर जोन ओलम्पियाड से साइबर क्लास फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर में लेकर आई हूँ। अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है या आप जानना चाहते हैं कि सिल्वर जोन ओलम्पियाड में कंप्यूटर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं, साइबर ओलम्पियाड में कंप्यूटर के साथ साथ उसके रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। जैसा कि ऑलमोस्ट हर ओलम्पियाड में सिलेबस रहते हैं कंप्यूटर साइंस के क्लास फर्स्ट के, ऑलमोस्ट वही सिलेबस हैं। एंड अगर आपका बच्चा किसी भी बोर्ड में पढ़ रहा है, एमपी, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, तो उन सभी में आईसीएसई बोर्ड हो, उन सभी का ऑलमोस्ट सिलेबस यही रहता है। तो बच्चों को सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक की तैयारी कराएं, उसके बाद इस तरह के सैम्पल पेपर देखें और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को आप तैयारी करवा सकते हैं। तो चलिए इसके हम समझ लेते हैं, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्किंग की रहती है। चैप्टर कंप्यूटर साइंस में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड एंड माउस, स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन एंड एमएस पेंट। इन सभी यूनिट से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 15 रहते हैं और मार्क्स 3 रहते हैं, सो टोटल मार्क्स 45 रहते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन रहते हैं, मार्क्स 5 नंबर्स के रहते हैं इच क्वेश्चन, सो टोटल मार्क्स 25 हो जाते हैं। एंड लास्ट हो जाता है स्कॉलर जोन। स्कॉलर जोन में हमारे कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस हैं, ये जो सिलेबस हैं, इसी से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन थोड़ी हाई थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, यानी क्वेश्चंस को डायरेक्ट टू डायरेक्ट बच्चों से ना पूछकर घुमा कर पूछा जाता है। इससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं और मार्क्स 6 रहते हैं, टोटल मार्क्स 30 रहते हैं। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस 25 हो जाते हैं और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसके 10 क्वेश्चंस के पैटर्न्स के द्वारा हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस रहते हैं और टाइमिंग 40 मिनट्स का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंप्यूटर नीड डैश टू वर्क, ए एयर, बी फूड, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी फैन। कंप्यूटर को काम करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, एयर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी या फैन? करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर पर हम वर्क नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, इसमें से कौन से कंप्यूटर्स का वेट जो होता है लाइट होता है, यानी हल्का होता है? ए लैपटॉप, बी मॉनिटर, सी कंप्यूटर, डी सीपीयू। करेक्ट आंसर है लैपटॉप। लैपटॉप का वेट जो है अदर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन हल्का रहता है और इसको इजी वे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस Which one of the following device commonly used in CPU to connect different parts? CPU में हम इस parts को connect करने के लिए commonly क्या use करते हैं? A. CD-ROM, B. Printer, C. Data Cable या D. Scanner। Correct answer हो जाता है option C. Data Cable। Data Cable के द्वारा हम CPU के डिफरेंट पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, सीपीयू से कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर हैज 3 एसेंशियल पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट। कंप्यूटर के 3 कंपल्सरी पार्ट होते हैं, एसेंशियल में जरूरी पार्ट होते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है या कंप्यूटर पर हम काम नहीं कर सकते हैं। और कौन सा इसमें नॉट
जरूरी पार्ट्स होता है, तो एक कीबोर्ड, डी मॉनिटर, सी जॉयस्टिक एंड डी सीपीयू। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज नॉट एसेंशियल पार्ट एज कंप्यूटर, इट इज यूज टू प्ले गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टीव हैज टू टाइप हिज नेम्स इन कंप्यूटर। स्टीव कंप्यूटर्स पे अपना नाम टाइप करना चाहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स विल हेल्प हिम टू टाइप हिज नेम। कौन से पार्ट से स्टीव कंप्यूटर पे अपना नाम टाइप कर सकता है और उसको कौन से डिवाइस की जरूरत होगी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा स्टीव अपने नाम को सिस्टम पर लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हैंड इज टू डैश टू फुट इज टू। जिस प्रकार हाथ में ये पहना जाता है, इसी प्रकार पैर में हम कौन से ऑप्शन को पहनते हैं या यूज करते हैं। सो दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शूज को हम पैर में पहनते हैं, जिस प्रकार हैंड में हम इस को पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ वुड बी नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। इस फिगर में नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा फिगर आएगा। चलिए हम देख पा रहे हैं, ये आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। विच वन ऑफ द नेक्स्ट फिगर इन सीक्वेंस। फर्स्ट फिगर में देखिए 3 साइड्स हैं, यहाँ पर 4 हो गए, फिर 5 एंड 6, तो नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 7। 7 किस ऑप्शंस में, देखिए हम देख लेते हैं। 7 स्टार हो जाएंगे, जैसे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार इन 6। 1 2 3 4 5 6 7। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन गिवन फिगर। इस फिगर में कितने सर्कल हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंट करना। 1 2, बाहर वाले 1 हो गए, अंदर वाले 2 हो गए, फिर इसके चारों तरफ जो सर्कल है उसको काउंट करेंगे। 2 3, कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल 11 हो रहे हैं। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 11। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बने रहें। ओलंपियाड एंड ओलंपियाड से रिलेटेड वर्कशीट एंड क्लास फर्स्ट टू टेंथ से रिलेटेड एग्जामिनेशन बेस्ड प्रैक्टिस सेट एंड सैम्पल पेपर आपको इस चैनल को देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।